Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today topic for discussion is Euclidean algorithms for GCD of two numbers. This is algorithm for GCD of two numbers. Beta, in this algorithm, this is used to calculate the GCD. GCD is greatest common divisor. और आप लोग और क्या find out करते हैं? HCF, highest common factor. One of the same thing. With the help of this algorithm, हम लोग कैसे find out करेंगे? ये find out करते हैं. Suppose that there are two number, दो number हम ले रहे हैं A and B. और A and B का जो GCD है, GCD means greatest common divisor जो है, let us suppose that is G. That is the largest natural number that divides A and B without leaving any remainder. Without leaving any remainder. Hope students you understand what is the meaning of this GCD. GCD क्या है? GCD हमारा use किया जाता है, ये जो algorithm है हमारा, ये किस लिए use किया जाता है? To calculate the GCD of two number. What is the GCD? That is greatest common algorithm, greatest common divisor that is used to calculate the GCD of two numbers. Let us suppose that is A and B, and G represent is GCD, greatest common divisor. That is again the largest common number that divide the two A and B by itself and without leaving any remainder. Remainder means कोई भी हमारा remainder उसमें नहीं बचेगा. Actually में हम लोग जब GCD find करते थे या HCF find out करते थे तो वहाँ पे subtraction method use किया जाता था. And ये जो हमारा Euclidean algorithms हैं that work without the subtraction method. What is the meaning of this? Instead of subtraction method ये कैसे काम करता है? ये क्या use करता है? Division method. Division method में कैसे use करता है? Let us suppose there are two number A and B. Take an example, A having value 9 and B having value 6. Let us suppose, and if we want to find out the GCD of based on these two number, तो ये क्या करता है? Division method use करता है. कैसे? Largest number को अंदर रखा और smallest number को यहाँ पे रखा. Largest number को मैंने A दे दिया, let us suppose, and smallest number को मैंने B value दे दी. तो क्या आता है? 6 ones are 6. तो बेटा हमें पता है remainder जो है that deals with the this part. Here is 3. जब 3 आएगा तो क्या किया जाएगा? ये जो B है, अब ये behave करेगा as a A. Then 6 3 2s are 6. तो here remainder is 0. कब तक ये पूरा procedure repeat होएगा? जब तक कि हमारा नीचे remainder 0 नहीं आ जाता, तब तक पूरे का पूरा repeat होएगा. Then what is the GCD? That is this part, divisor part. That is 3. तो GCD is 3. जो इसका highest common factor आएगा, वो कितना आएगा? 3 आएगा. रजे एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. वन वैल्यू इज 25 एंड अनदर वैल्यू इज 3. लेट अस टेक दिस एग्जांपल. तो ए की वैल्यू मैंने तुम्हें बोला हाईएस्ट वैल्यू ले लो, दैट इज 25, एंड बी की वैल्यू जो है वो स्मॉलेस्ट ले लो, दैट इज 3. नाउ अगेन यूजिंग दिस अप्रोच, क्या करना था? लार्जेस्ट नंबर इनसाइड एंड बी की वैल्यू एज अ डिवाइजर. दिस इज नोन एज, हम बचपन में पढ़ते थे ना, दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द कोशेंट, डिविडेंट एंड डिवाइजर. तो वैसे ही करना हमने. 3 का करो, 3 8 24. नाउ व्हाट विल बी द रिमाइंडर? दैट इज 1. अब क्या करेंगे? ये जो 3 है ये आ जाएगा नीचे 3, तो 3 ones are 3 एंड रिमाइंडर इज 0. तो व्हाट इज द जीसीडी ऑफ दीज टू नंबर? जीसीडी इज इक्वल टू 1. होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द जीसीडी विद दिस Euclidean algorithms. क्लियर? तो रजी एक्चुअल में हमने किया क्या है? नाउ वी वर्क ऑन द एल्गोरिथम. एल्गोरिथम वही होगा जो हमने अभी तक यहाँ पे किया है. सबसे फर्स्टली हमने क्या किया? लेट ए एंड बी टू नंबर्स. हमने यही किया था ना. सबसे पहले ए एंड बी हमने दो क्या ले लिए थे? नंबर ले लिए थे.
उसके बाद क्या किया, फाइंड आउट किया हमने सेकंड में, ए मोड बी इज इक्वल टू आर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? हियर जब हमने ए इसको ले लिया, बी इसको ले लिया, तो हमने मोड आर फाइंड आउट करा, दैट इज 3 अकॉर्डिंग टू द दिस एग्जांपल एंड 1 अकॉर्डिंग टू द दिस एग्जांपल. क्लियर? आफ्टर दैट हमने थर्ड में क्या किया था, थर्ड टॉपिक में हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में क्या किया था हमने, थर्ड में हमने क्या किया था, जो इसका ध्यान से देखना, जो हमारा बी था उसको ए बना दिया, यही करा था. तो क्या किया था, लेट ए इज इक्वल टू बी, जो हमारा बी था उसको क्या उठा के बना दिया, ए. ऐसे करते हैं ना, एक्स इज इक्वल टू फाइव, दिस मीन्स फाइव इज स्टोर इन एक्स. जो हमारा बी था उसको क्या बना दिया, ए. बी क्या था हमारा, सिक्स, उसको क्या बना दिया, ए. That is, divisor is converted into a dividend. Clear? और second step में हमने क्या किया था? And. अब जो हमारा remainder था, उसको हमने क्या बना दिया? B. जो हमारा remainder था, उसको उठा के क्या बना दिया हमने? B. Hope student you understand this third step. Clear? And now come to the fourth step. Fourth step में हमने repeat करे थे, repeat steps. कौन कौन से, टू एंड थ्री, कब तक, अंटिल ए मोड बी इज ग्रेटर देन जीरो. जब तक जीरो से बड़ा है, जैसे ही जीरो आएगा देन फिनिश द गेम. जैसे ही जीरो आएगा मतलब फिनिश द प्रोसीजर. जब तक ग्रेटर देन जीरो है, हम बार बार ये प्रोसीजर रिपीट करेंगे. क्या करेंगे, मोड फाइंड आउट करेंगे, मोड आउट फाइंड आउट करने के बाद उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे. अगर रिमाइंडर ग्रेटर देन जीरो है तो बी हमारा ए बन जाएगा, रिमाइंडर हमारा बी बन जाएगा. रिपीट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड एट लास्ट मतलब जब हमारा पूरे का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, तो जीसीडी हमें कहां से मिलता है, जीसीडी इज इक्वल टू बी. बी जो भी वैल्यू होगी, बी मीन्स Like this, here, जब हमारा remainder 0 आ गया था, B हमारा क्या था, 1. जब remainder 0 आ गया था, B हमारा था 3. तो that is known as a GCD value. Clear? And sixth step is exit. Hope student you understand this GCD procedure, how to find out the GCD of two numbers and what is the algorithm behind that. If you still find out any issue regarding this procedure example as well as regarding this algorithm, then write in a comment section. I will resolve your issue and I will definitely solve your question. And if you understand better, then like the lecture, subscribe the channel and share with your friends. Thank you.